इतना काफी है। हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के मारूताल में हटाया गया अतिक्रमण, लाखों की जमीन हुई मुक्त, भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचा था प्रशासन। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा। दमोह के बेराताल तालाब की सफाई निरंतर जारी। दमोह के रैने थाने के बाहर भगवती मानव कल्याण संगठन ने दिया धरना, पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के मारूताल की, जहां पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत आज अतिक्रमण हटाया गया, लाखों की जमीन को मुक्त कराया गया। दमोह जिले में एक बार पुनः प्रशासन का बुलडोजर चला है, अतिक्रमण को जमीन दोज किया गया है। पहले शहर में अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, अब ग्रामीण अंचल में भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बताया जाता है कुलवा और मारूताल में आज प्रशासन का बुलडोजर चला, एक साथ दो दो जेसीबी मशीन चलती नजर आई। यहाँ पर अनीसुर रहमान, मासूम और फजरत खान द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यह मामला माननीय तहसीलदार के यहाँ न्यायालय में लंबित था, जिस पर फैसला होने के बाद इस अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए बताया जाता है कि लगभग 80 लोगों का यहाँ पर बल लगाया गया था, भारी भरकम पुलिस बल एवं राजस्व अमला यहाँ पर मौजूद था, जिसकी उपस्थिति में ये अतिक्रमण तोड़े गए हैं। संपूर्ण परिसर में जो अतिक्रमण थे उसे तोड़ दिया गया है। बताया जाता है कि लगभग 11,000 वर्ग फुट में यह अतिक्रमण था, वहीं एक कमरे को छोड़ दिया गया है, जिसमें बताया जाता है कुछ धार्मिक ग्रंथ रखे थे, जिसके बाद इस अतिक्रमण को छोड़ दिया गया है। इस पर अलग से फैसला लिया जाएगा। नगर पालिका का अमला भी यहां पर मौजूद नजर आया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। खास बात यह कि काफ़ी वक्त हुआ जब से अतिक्रमण लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। दमोह शहर में भी अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन अतिक्रमण जस के तस हो चले हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कि इस तरह से ग्रामीण अंचल में अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है, क्या एक बार पुनः शहर के अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इस मुहिम के संबंध में हमने SDM दमोह RL बागरी से चर्चा की, उनके द्वारा बताया गया। एक्चुअली अतिक्रमण के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य न्यायालय तहसीलदार दमयंती नगर ने एक नोटिस जारी करके आदेश पारित किया था और उसके तहत रिप्लाई ली गई और बेदखली ऑर्डर पारित करने के बाद आज नियमानुसार कार्रवाई की। कितने फुट एक्चुअली करीब 130 बाई 120 स्क्वायर फीट में था और इसको आज सर एक पोर्शन पे छोड़ा गया है। अब वो देखते हैं कुछ रीजंस होगा या उसके नोटिस नहीं दिया गया होगा, एक बार उसको चेक करवा लेते हैं। आगे भी कार्रवाई बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। वहीं दमोह के जलपुर नाके के समीप भी अतिक्रमण को अलग किया गया है। बताया जाता है कुछ वक्त दिया गया था, जिसके बाद यहां पर सीमेंट की सीट निकाल ली गई थी और फिर यहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला।
दो में बिलाताल तालाब की सफाई का काम निरंतर जारी है। आज भी ये काम निरंतर जारी रहा। हम आपको बता दें कि बिलाताल तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। प्रशासनिक रूप से दमो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इस मुहिम को प्रारंभ किया गया था और अब लगातार इसमें समाज सेवी भी शामिल होते चले जा रहे हैं। दमो के गणमान्य नागरिकों के द्वारा भी इसमें विशेष रूप से रुचि ली जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में वाहन भी पहुँचने लगे हैं। फोकलैंड मशीन और डंपर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से तालाब की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया है। अगर ये तालाब बारिश के पूर्व साफ हो जाता है तो निश्चित रूप से इसमें पानी रहेगा। वहीं गंदगी दूर हो जाने के बाद पानी स्वच्छ नजर आएगा। हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत इस तालाब पर लगाई गई है। चारों ओर सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ पर दुकानें भी जल्द ही खुलने वाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। काम अंतिम चरण में है। वहीं इसकी सफाई हो जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सौंदर्यीकरण होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बेहतर रखरखाव की व्यवस्था भी की जाएगी। देखने लायक होगा जिस तरह की बात की जा रही है। ज़मीनी हकीकत में ऐसा होता है नहीं। साथ ही लोगों से इस काम में सहयोग की अपील भी की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत परासिया चनोगो बस स्टैंड पर कल देर शाम तेज रफ्तार यात्री बस ने साइड में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यात्री बस सागर से दमो की ओर जा रही थी, जहां चनोगो बस स्टैंड पर साइड में खड़ी गिट्टी से भरी ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। बस भी रोड के साइड में लगे खंभे से जा टकराई। बस में पुरुष, बच्चे, महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन सभी यात्रियों को मामूली चोटें आईं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तत्काल देरी न करते हुए गांव वालों की मदद से सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला गया। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार बस गुजरात से शहडोल जा रही थी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमो कृषि मंडी में आज किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता कि दूसरी पारी में यहाँ पर डाक नहीं हो रही थी। व्यापारी के द्वारा डाक करने से मना किया, व्यापारी यहाँ से चले गए। उसके बाद किसानों के द्वारा मुख्य गेट पर जमकर हंगामा किया गया, नारेबाजी की। उसके बाद व्यापारी पुनः वापस आए और डाक प्रारंभ हुई। लेकिन जब डाक प्रारंभ हुई तो रेट कुछ कम हो गया, जिसको लेकर किसानों में नाराज़गी थी। किसानों का कहना है कि पहले अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन जब उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया तो अब उन्हें दाम नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर कुछ विरोधाभास भी हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं किस तरह से मंडी में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बोले भाई, 75, 80, 90, 6600, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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
किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं ऐसा थोड़ी है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, देखो ये बादल ऊपर मना रहा है, किसान को पैसे की जरूरत भी है, आप अगर ऐसा ये मजबूरी मना के करेंगे आप तो कैसे होगा काम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अगर आपको लग रहा है लक बाई चांस जी कि आपको लग रहा है कि कम में बिक रहा है, आप किसान हो, हम भी किसान हैं, आपको ये स्वतंत्रता है। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो किसान है अपनी फसल को लेकर आए हैं, पहले तो मंडी व्यवस्था नहीं है कि पूरी सेट लगाए जाए, फिर कह दिया गया कि आप बाहर भी कुड़ा सकते हैं। किसानों ने अपना माल कुड़ैल लिया, नया जो उड़दा है वो कम से कम 84-85 सौ से लेकर 90 तक का बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर खरीदने वाले चले गए कि मुझे नहीं खरीदना है। किसानों ने जैसे तैसे वहाँ पर मंडी कार्यालय में जाकर के बात की कर्मचारियों से, उनने कहा कि आपका माल खरीदा जा रहा, लेकिन वही बात हुई कि जब खरीदने आए तो मन मर्जी खरीद रहे। जो 86 का उड़दा है वो 79-75-81-82 तक का कर रहा है, मतलब सीधा सीधा किसानों को एक क्विंटल पे 600-700 का नुकसान किया जा रहा है। ये किसानों के साथ छलावा हो रहा है और किसानों को हमेशा लूटा जाता है, चाहे मंडी के कर्मचारियों की तरफ से हो, चाहे यहाँ माल खरीदने वालों की तरफ से हो, कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अभी यहाँ एक कह रहा था, आनंद ले रहा था एक व्यापारी, कि यहाँ पर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, यहाँ किसानों के लिए कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, किसान स्वयं नल चला चला करके पानी पी रहा है और किसानों के लिए कोई भी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। ये किसान का जो उर्दा है, मैं कहता हूँ ये खराब है, इसको 5-6 हजार का बिकना चाहिए, लेकिन जो अच्छा उर्दा है आज से 8 दिन पहले 4 दिन पहले 90 का बिकता था, आज 80 का बिक रहा है, मतलब सीधा 1,000 रुपए का लाश किसानों का किया जा रहा है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाए। ऐसे में देखने लायक होगा किसानों की सरकार में किसानों को कब तक मंडी प्रशासन न्याय दिला पाता है, कब तक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बोले आसमान के नीचे इनकी फसल थी, ऐसे में होने पौने दावों में किसानों के द्वारा अपना अनाज बेचा गया। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज़। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार काम किया जाता है। संपूर्ण जिले में अवैध रूप से बिकने वाली शराब का विरोध करते हैं, साथ ही अगर अवैध रूप से शराब का कहीं परिवहन किया जा रहा है तो उस पर वह रोक लगाने की मांग करते हैं। कई बार पुलिस को जानकारी देते हैं, कभी पुलिस अगर समय पर नहीं पहुंचती तो शराब माफिया को शराब के साथ पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के द्वारा मामले बनाए जाते थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ अलग कार्रवाई होगी जिसका ये विरोध कर रहे हैं। रने में आज इनके द्वारा घंटों विरोध किया गया, उसके बाद FIR दर्ज हुई। वहीं धमकी दी जा रही कि इनके विरुद्ध भी अब मामले दर्ज किए जाएंगे, इनके विरुद्ध मारपीट के मामले दर्ज किए जाएंगे। पहले जिस तरह से नरसिंहगढ़ में FIR में काफ़ी वक्त लगा था, बाद में MLC कराई गई थी, एक बार बने वही प्रक्रिया रने में भी अपनाई जा रही। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो रने थाना अंतर्गत आता है तो रने में अवैध शराब पकड़ी, जिसकी कार्रवाई सूचना पुलिस को दी और पुलिस आए, उसमें कार्रवाई भी की गई, लेकिन अभी अभी पता चला है कि कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा भी कायम किया गया। तो ये साजिश समझ में नहीं आती है कि मान लो अवैध शराब पकड़वाई सूचना दे के और फिर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा तो नहीं हुआ है। तो जानकारी चली, इसलिए हम लोगों ने SP साहब के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे कार्यकर्ता जो सूचना दे के शराब पकड़वाते हैं तो इनके ऊपर किस आधार पर मुकदमा कायम है। अब धमकी भी दे दी है हमने, हम लोग आप लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करेंगे। किस मैडम ने दी है धमकी, कौन है? जो पांडे, प्रीति पांडे हैं, थाना प्रभारी रहने की, उन्हीं ने इसकी कुछ आईडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो कह रहे हैं कि SP साहब का आदेश है कि जो आदेश होगा उसकी जांच का लगता है। देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन लंबे समय से हमारे दमों में अवैध शराब पकड़वाता आ रहा है और हमारे गुरुवर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का संकल्प है कि अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन अभी अभी कुछ समय से जब से नए SP साहब आए हैं, जब जब संगठन के कार्यकर्ता अवैध शराब पकड़वाते हैं तो थानों में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर के FIR होती है। उसमें भी हर थाने में थाने प्रभारी जी के द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर उल्टी FIR दर्ज कर दी गई है। उसी लिए हम लोग आए हैं SP साहब को ज्ञापन देने कि इस अवैध कारोबार को पूरी
पूरी तरह रोका जाए, उस संगठन के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं उनको रोका जाए। कितने कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो चुके? देखिए आज लगभग कम से कम 50 से 100 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे गुरुवर श्री का संकल्प है कि अवैध कारोबार या जितने भी अवैध नंबर दो के धंधे हैं इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाए, और संकल्पबद्ध हम लोग हैं तो यही चाहते हैं कि अवैध कारोबार बंद हो और जो फर्जी जो मुकदमे संगठन के ऊपर ला दिए गए हैं इन्हें निरस्त किया जाए। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज, दबाव। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all new Mihos. Electric, just as you like it. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का Joy e-bike देती है वादा. So mister, what's your final इरादा? बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर द ऑल न्यू Mihos। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। मामले में पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा कराया और शव परिवार को सौंपा है। पोस्टमार्टम के बाद अब आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों से यह कदम उठाया गया है। क्या नाम है आपका? भूपत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? दुगानी। दुगानी। थाना क्या लगता? जवेरा। ये कौन है आपके? भनाई। क्या नाम है इनका? अजीत। अजीत। क्या हो गया, इन्हें क्या कर दिया? मैं चुकरों की दवाई खा ली। किस वजह से? कब पत्तेदार मार पीछे आए, हमारा तो घर ही नहीं है, कटाई लगी तो। और कब की घटना है? कल 3-4 बजे। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज, दफा। एक व्यक्ति के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, नोटा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया। पुलिस के द्वारा सुबह शव का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति मृत हुआ है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके इलाज भी चल रहा था। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है।
मैं इनका क्या हो गया ना, क्या मामला है? ये ग्राम मुरारी के हैं, मोहन यादव पिता मुरारी लाल यादव 43 साल के हैं। क्योंकि परिजनों ने बताया है कि काफ़ी लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो आज घर में पंखा वाली हुक में सुनने में मतलब फांसी लगा खत्म होना बताया है। यहाँ जिला अस्पताल में सब ले आए थे, जानकारी लगी, फिर यहाँ पर आगे पंचनामा कार्रवाई की, क्लीन करवा रहे थे, जैसे नदी जारी कार्रवाई करी। कुछ चीज निकल के आई सामने मामला? छतरपुर जिले की बक्सवा तहसील से एक मामला सामने आया, जहां पर स्थानीय जो निवासी हैं रघुवीर प्रसाद श्रीधर बक्सवा के रहने वाले, उनके द्वारा अनेक लोगों के साथ पहुंचकर तहसीलदार भरत पांडे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आवेदकों का कहना कि बाबू रामबिलन आदिवासी पिछले 13 वर्षों से बक्सवा तहसील में पदस्थ है, मनमानी पर उतारू है, साथ ही किसानों के शासकीय कार्यों को अनैतिक रूप से करता है, पैसों की उसके द्वारा मांग की जाती है, उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया है। वहीं पटवारी गौरव जैन द्वारा किसानों से तरमीम सीमांकन रजिस्ट्री नामांतरण में मोटी रकम की मांग की जा रही है, ऐसा उनका यह आरोप है। यदि किसान उनके मुताबिक मनमाने पैसे नहीं देते तो गलत रिपोर्ट लगाकर रजिस्ट्री नामांतरण सीमांकन आदि की लगातार शिकायतें करा दी जाती हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना कि अगर एक सप्ताह में उसे नहीं हटाया जाएगा तो वह आंदोलन की राह पर होंगे। इसके साथ ही आवेदकों ने राजस्व संबंधी कार्यों में विलम्ब और परेशानी का मुख्य कारण SDM कोर्ट की दूरी को बताते हुए मांग रखी कि बक्सवा नगर परिषद के साथ साथ 39 ग्राम पंचायतों के लोग भी यहां रहते हैं, जिसके चलते SDM कोर्ट यहां पर खोली जाए। इस संबंध में तहसीलदार भरत पांडे से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना कि शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जाँच कराई जाएगी, मामले में जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपनी बात रखी। अगर उनके द्वारा कोई ऐसी मांग की गई है तो उसकी हम जांच करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। रहा इनका श्रीहर का नामांतरण का आदेश जो हुआ है उसमें पिता पति में थोड़ी लिप्तिक त्रुटि हो गई है, उसको हमने आश्वासन दिया था कि हम शाम तक को करवा देंगे। तो उसी ज्ञापन में लिखा है कि गौरव जैन है वो सीमांकन और तरमीम के नाम पर भी रिश्वत ले रहे हैं। गौरव जैन पटवारी की शिकायत हमारे पास में पहली बार आई, जाँच करेंगे। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है और क्या आपकी समस्याएं? ये पहले तो सब जनों किसान भाइयों को भैया राम राम। जो क्षेत्र भर के किसान आए हैं, जो हजारों की संख्या में आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारी ये समस्या है कि जब हमारे जैसे आदमी जो तहसील में आते जाते हैं संबंध है, ऐसे आदमी की जो हुई रजिस्ट्री में कुछ है और रिकॉर्ड में कुछ कर दिया इन्हें, क्योंकि इनके लिए हमने 5,000 रुपया नहीं दिए, ये 5,000 रुपया मंगाते रहे। कौन मांग रहा था? राममिलन आदिवासी बाबू, राममिलन बाबू जो आदिवासी है, जो 5,000 रुपया मांग रहे थे। तो इन्हें 5,000 रुपया हमने किस बात के दे, हमारी रजिस्ट्री में सही लिखा है तो आदेश में भी सही लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आदेश बोले हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हें 6 साल फिरने पड़े, परेशान होने पड़े। तो आदेश की हमने फोटो कापी मंगाई, आदेश कर दो श्रीमान तहसीलदार साहब ने, तो हम कि भाई फोटो कापी दे दो हमें। तो इन्हें फोटो कापी देने के लिए भी इनकार कर दिया, बोले हम आपको फोटो कापी नहीं देंगे। हमने भाई पटवारी जी थे, ये आदेश की फोटो कापी बुलवाई, या रजिस्ट्री हो या फोटो कापी, उन्हें बाप को नाम कहूँ कर दो, लड़का को नाम कहूँ कर दो, ऐसा कहीं होता है कहूँ? क्योंकि किस किस के पाँव परवा ना पड़े, किसान जी किस किस के पाँव पड़े। अगर थोड़ी सी टूटी है तो ये कहते हैं कि भैया जी पटवारी यहाँ के कर्मचारी SDM साहब के पास जाइए। हर किसान SDM के पास कहाँ तक जाए और ऐसे कहाँ तक कैसे काम चलेगा? हमारा गरीब क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र इतना परेशान है एक पटवारियों से, आरआईयों से, बाबुओं से अधिकतर, इस बाबू को तत्काल यहाँ से अगर हमारे क्षेत्र की हिफाजत चाहते हैं, उस अन्नदाता की अगर हिफाजत चाहते हैं
तो इसे ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे पटवारियों को, ऐसे बाबुओं को तत्काल हटा दिया जाए प्रशासन से, यही हमारा अनुरोध है, यही मांग है। अपन में गौरव जैन के बारे में भी लिखा है जो पटवारी हैं। गौरव जैन को यह है कि हमारी स्वयं की हमारी तरबीम और हमारा जो सीमांकन था हमारा सेमरा चाजी सेमरा का, उसमें ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसको पैसा नहीं हमने दिया, हम पैसा नहीं दे देंगे और कि हम गलत नहीं है तो हम पैसा नहीं देंगे। हम किसान कैसे पैसा पैदा करते हैं, कितनी मेहनत की किसान पैदा करता है और वे तो 5,000, 10,000, 5,000 उन्हें तो कहने आओ तो गिरो, तो मैं शासन तनख्वाह दे रही तुम्हें इसी बात की दे रही कि भैया ईमानदारी को काम करो तुम, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी जो पटवारी और ये बाबू भ्रष्ट इनके नहीं समझते हैं कि किसान कितना परेशान है, इन्हें तो पैसा दे दे तो सही है, नंदा तुम्हारे रिकॉर्ड में कमी नहीं है तो कमी है। क्या चाहते हैं आप? तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे, अगर ये जांच के दौरान अगर सही पाया गया है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तहसीलदार साहब ने आश्वासन दे दिया है। द्वारा किसानों द्वारा आवेदन दिया गया उसमें आ रही पटवारी की द्वारा पैसे मांग की गई है, हमारा ये कहना है नगर पंचायत बक्सवाहा वर्ष 1926 से हमारे यहाँ तहसील है, 75 किलोमीटर दूर बिजावर SDM कोर्ट है, हमारा पूरा किसान केवल छोटी छोटी सी त्रुटियों के कारण जो है 75 किलोमीटर तक नहीं जा पाता, हमें चाहिए कि SDM साहब यहाँ बैठे, चूंकि पुराने जो नक्शा है और जो नए नक्शा है डिजिटलाइज नक्शा है वो एक उसके ऊपर रखे तो टैली नहीं होते हैं, जब वो टैली नहीं होते हैं तो ये स्वाभाविक है पटवारी एक दूसरे की सीमांकन में विवाद की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, चूंकि हमें चाहिए कि नक्शा का सुधार हो, हमें चाहिए कि हर हाल में खसरों में सुधार हो, छोटी छोटी त्रुटियों में जो है किसान कलेक्टर के यहाँ अनुमति लेने के लिए जाता है, 5 वर्ष की त्रुटियों में अनुमति लेने के लिए जाता है, हमारा किसान इतना बेहाल है, इतना परेशान है, इस जो है भीषण भुखमरी क्षेत्र के जनता जो है 100 किलोमीटर दूर चक्कर लगाते लगाते परेशान है। बंधुओं, हर बार इसी बात की ज्ञापन भी दी जाती है कि जो है हमारे क्षेत्र की किसान की समस्या सुने, पर तहसीलें SDM कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट अब न्यायालय नहीं केवल दुकानें रह गई हैं और उनको खरीदने का साहस हमारे किसानों में नहीं। बक्सवाहा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के मारूताल में हटाया गया अतिक्रमण, लाखों की जमीन हुई मुक्त, बड़ी लाव लश्कर के साथ पहुंचा था प्रशासन। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा, दमोह के बेलाताल तालाब की सफाई निरंतर जारी, दमोह के रैनी थाने के बाहर भगवती मानव कल्याण संगठन ने दिया धरना, पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की जमीन, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले, एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। साथ बढ़े
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।